हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के जी समाने ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हिमाचल दर्पण के लेटेस्ट वीडियो जो हैं वो मिलते रहें। हम हिमाचल दर्पण बुक के पेज नंबर 199 पर हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने D1 जो है वो पिछले वीडियो में पढ़ा। इस वीडियो में हमने D2 पढ़ना है, हिमाचल प्रदेश पूर्ण राजत्व की ओर 1948 से 1971 के बीच की जो घटनाएं हैं। रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड, ये HAS मेन्स पेपर 2 यूनिट 1 सब यूनिट 3 का सिलेबस भी है और कुछ मेंस में क्वेश्चंस भी आए हैं। जैसे हिमाचल के 1948 में चीफ कमिश्नर प्रोविंस से लेकर 1971 में जो है पूर्ण राज्य बनने तक के सफर का वर्णन कीजिए। तो ये जो 29 नवंबर 2017 में मेंस का पेपर हुआ था, GS पेपर 2 का, क्वेश्चन नंबर 28, 20 मार्क्स का, 400 वर्ड में पूछा गया था। और इसके अलावा हिमाचल में राजत्व की राजनीति की विवेचना कीजिए, सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन था, 8 मार्क्स का, 120 वर्ड में। शुरू करते हैं 1948 से 51 तक का परिदृश्य। पिछले वीडियो में हमने देख लिया है 1948 में हिमाचल प्रदेश जो था वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था, 4 जिले थे, NC मेहता पहले चीफ कमिश्नर थे। तो चीफ कमिश्नर की सलाहकार परिषद बनाई गई 15 अप्रैल 1948 को। जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आ गया तो भारत सरकार ने जो है वो 1948 में 9 सदस्यों की सलाहकार परिषद बनाई, जिसमें 6 थे जनता के प्रतिनिधि और 3 थे राजा के। तो जनता के प्रतिनिधि थे यशवंत सिंह परमार, स्वामी पूर्णानंद, पदम देव, अवतार चंद, लाला शिव चरण दास और लीला देवी। जबकि राजाओं के 3 सदस्य थे, मंडी के राजा, चंबा के राजा और राजा बगाट दुर्गा सिंह। इस समिति का गठन जो है वो 19 सितंबर 1938 में किया गया। इसका मेन उद्देश्य था चीफ कमिश्नर को आम नीति, विकास योजना, संविधान संबंधी सलाह देना, परंतु प्रशासन की ओर से इसकी अनदेखी किए जाने से वह 1951 में इससे अलग हो गए। तत्पश्चात जो है YS परमार ने जो है वो इससे अलग हो गए और सलाहकार समिति से, और वो संविधान सभा के जो है वो सदस्य बन गए। उन्होंने और हिमाचल के अन्य कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश और दिल्ली में हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय सरकार की व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार से संवैधानिक संघर्ष किया। और लास्ट में जो है केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 1951 में जो है वो पार्ट सी का दर्जा दे के विधानसभा का जो है प्रावधान किया गया। तो जब तक हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, तब तक ना कोई विधानसभा थी, ना कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर था, सिर्फ चीफ कमिश्नर होता था सब कुछ। जब पार्ट सी का दर्जा मिल गया तो विधानसभा भी आई और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आए, उपराज्यपाल। जब पूर्ण राज्य मिला तो फिर राज्यपाल का दर्जा मिला। फिर 1950 से 1951 तक का ये तो हमने पढ़ा, 1948 से 1951 तक का। अब हम देखते हैं कि कौन से गांव इस दौरान जो है 1950 में कुछ हिमाचल प्रदेश में आए, कुछ हिमाचल प्रदेश से गए। तो 1950 में महासू का पुनर्गठन किया गया, कोटखाई। कोटखाई को स्वतंत्र उप तहसील का दर्जा देकर उसमें कोटखाई, खनेटी, धनकोटी, कुमारसेन और बलसन के कुछ भाग जो है वो सम्मिलित किए गए। कुमारसेन में कोटगढ़ को कुमारसेन में मिला दिया गया। इसके अलावा जुब्बल, उत्तर प्रदेश के जो उस समय उत्तर प्रदेश था, वर्तमान में उत्तराखंड है, तो उत्तर प्रदेश में संसोग और भाटर को जुब्बल तहसील में जो है वो मिलाया गया, तो वहां से। इसके अलावा कुसुमटी, पेप्सू का चबरोड क्षेत्र कुसुमटी तहसील में जो है वो मिलाया गया, पेप्सू। सोलन में नालागढ़ के 7 गांव सोलन तहसील में मिलाए गए। तो ये कुछ चीजें हैं जो क्योंकि ये कोटखाई, कुमारसेन, जुब्बल, कुसुमटी और सोलन, ये सभी जो है ये महासू के का हिस्सा था, महासू जिले का। तो ये सब जो है ये इनका पुनर्गठन किया गया। साथ ही साथ हिमाचल में कुछ शामिल गांव हुए और हिमाचल से कुछ गांव जो है वो दूसरे राज्यों को दिए भी गए। जैसे पंजाब से सोलन कैंट आया हिमाचल में, कोटगढ़ और कोटखाई, ये जो है 1950 में जो है वो हिमाचल में शामिल हो गए। पेप्सू से जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, पेप्सू बी कैटेगरी का राज्य था और पंजाब ए कैटेगरी का राज्य था और हिमाचल सी कैटेगरी का राज्य था। आप पेप्सू को पंजाब, ये पटियाला रियासत जो है, ये नालागढ़ जो थी वो पेप्सू का हिस्सा थे, इस तरह से था कुछ। तो ये आप हमारा जो वीडियो है वहां पे आप इसको क्लियर देख सकते हैं। एक वीडियो हमने क्वेश्चन का बनाया था, पटवारी के जो आए थे उसमें हमने बकायदा ये जो है मैप के द्वारा ये शामिल किया था, वहां पे आप देख सकते हैं इसको। पेप्सू से कुफरी आया, धार, खनलोग, गोलियां, जमरा और सुरेटा, ये सब गांव जो है वो हिमाचल में शामिल हुए। पंजाब को फिर जो है संजौली दिया गया, भराड़ी, चक्कर, प्रोस्पेक्ट हिल, कुसुमटी और पट्टी रिहाना।
तो संजौली जो था वो पंजाब का पार्ट था, 1950 में दे दिया गया उसको। इसके अलावा पेप्सू को दिया गया रामपुर, बाकना, कुटा और भरी। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो 1950 में नालागढ़ किस राज्य का हिस्सा था, तो पेप्सू का हिस्सा था। 1950 में पेप्सू का कौन सा क्षेत्र कुसुमटी तहसील में जोड़ा गया था, तो चबरोट जोड़ा गया था, जो है कुसुमटी तहसील में जो है वो जोड़ा गया था यहाँ पे चबरोट। फिर उत्तर प्रदेश जो वर्तमान में उत्तराखंड है, का कौन से गांव संगोठा और भंडार किस व्यवस्था के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित किए गए थे, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनक्लेव ऑर्डर 1950। तो ये सारे जो हैं, ये जितने भी हम गांवों का बात की बात कर रहे हैं, ये इसी ऑर्डर से जो है ये जो है हिमाचल में शामिल किए गए या हिमाचल से दूसरे राज्यों में शामिल किए गए। 1951 में कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला नहीं था, तो शिमला जिला नहीं था, मंडी, चंबा, सिरमौर जिले थे। फिर 1951 से 56 की बात करें D2.2, तो ग श्रेणी का राज्य बन गया। भारतीय संसद ने 1951 में ग श्रेणी के राज्यों का अधिनियम पारित किया। मैंने उस वाले वीडियो में बहुत विस्तार से ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के राज्यों का जो है वो वर्णन किया है। उसमें अंडमान निकोबार जो है वो भी एक तरह से सी कैटेगरी में थे। तो इस अधिनियम के आधार पर 1951 में हिमाचल प्रदेश को जो है वो ग श्रेणी का, सी कैटेगरी का राज्य बनाया गया, और चीफ कमिश्नर की जगह अब जो है उपराज्यपाल को जो बनाया गया, वो अब हेड होते थे किसी भी जो है वो सी कैटेगरी के राज्य के। 1 मार्च 1952 को मेजर जनरल हिम्मत सिंह को जो है वो पहला हिमाचल का पहला उपराज्यपाल, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, वो बनाया गया। हिमाचल प्रदेश जो था वो 1951 से 48 से 51 तक तो वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, 51 से 56 तक वो था सी कैटेगरी का राज्य। साथ ही साथ 1952 में 36 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव भी हुए। कांग्रेस को 24 सीटों के साथ बहुमत मिला। डॉक्टर वाई एस परमार जो हैं, यशवंत सिंह परमार 24 मार्च 1952 को हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने। के एल मेहता 1952 में हिमाचल के पहले मुख्य सचिव बने। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र 1952 में जो है वो राष्ट्रपति निवास, जिसे वाइस रीगल लॉज भी कहा जाता है और वर्तमान में IIES है, जिस में हुआ, और इसका उद्घाटन उपराज्यपाल मेजर जनरल हिम्मत सिंह ने किया। वर्ष 1952 से 56 तक विधानसभा की बैठकें जो हैं वो राष्ट्रपति निवास, वाइस रीगल लॉज, हिमाचल धाम और काउंसिल चैम्बर में हुई। तो ये जो विधानसभा की बैठकें थी वो इन तीन जगह पे हुई। साथ ही साथ 1951 से हम 56 की बात कर रहे हैं, तो बीच की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है बिलासपुर का विलय हिमाचल में। तो बिलासपुर के नेता संतराम कांगा, दौलत राम संख्यान, सदाराम चंदेल, ये जो बिलासपुर रियासत या सी कैटेगरी का राज्य था उसको हिमाचल में विलय करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। संतराम कांगा के नेतृत्व में बिलासपुर का एक शिष्टमंडल 6 अप्रैल 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित से मिला तथा बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश में विलय का आश्वासन प्राप्त किया। पंडित नेहरू ने लोकसभा में बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश में विलय की घोषणा की और 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में उसका विलय हुआ और वह है हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना, क्योंकि दोनों ही सी कैटेगरी के राज्य थे। तो बिलासपुर जब हिमाचल प्रदेश में उसका विलय हो गया तो उसका एरिया जो था 27,000 जो भी था ये उसमें 1,169 और जुड़ गया, तो 28,186 जो है वो वर्ग किलोमीटर जो है एरिया जो है वो हो गया। बिलासपुर के शामिल होने के बाद विधानसभा की संख्या भी जो है वो 41 तक पहुंच गई, जो विधानसभा की संख्या है वो 41 तक पहुंच गई। और इसके अलावा भारत राज्यों का पुनर्गठन हुआ। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 29 दिसंबर 1953 को एक अधिसूचना द्वारा जो है वो राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया, और जिसके अध्यक्ष थे अध्यक्ष फाजिल अली और सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के एम पानीकर, कमलाभ महाबा पानीकर। तो इस आयोग के सदस्य 1954 में हिमाचल प्रदेश भी आए और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आयोग के सदस्यों को पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, कोहिस्तान जिसे कंडाघाट कहा जाता है, उन्ना तहसील, डलहौजी, मोरनी को हिमाचल में जो है वो मिलाने का जो है वो ज्ञापन सौंपा। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने भी प्रोफेसर तपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक निगोशिएटिंग कमेटी बनाकर एक रिपोर्ट तैयार की और भारत सरकार को प्रस्तुत की। इसके अलावा डॉक्टर वाई एस परमार जो है वो 1954 में आयोग के जो अध्यक्ष थे सैयद
फजिल अली, उनसे भी उन्होंने एक विस्तार पूर्वक जो है पत्र भी लिखा था। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आई तो उसमें जो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फाजिल अली, सईद फाजिल अली, उन्होंने तो हिमाचल का अलग अस्तित्व का समर्थन किया, लेकिन बाकी दो सदस्यों ने इसको, हिमाचल प्रदेश को पंजाब में शामिल करने की सिफारिश कर दी। लेकिन डॉक्टर वाई एस परमार के प्रयासों से हिमाचल अपना अस्तित्व बनाए रखने में जो है वो कामयाब रहा और 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और तब से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश जो है केंद्र शासित प्रदेश रहा। और 1956 में फिर बजरंग बहादुर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के पहले जो है वो उपराज्यपाल बने, और बहादुर सिंह 1971 में हिमाचल के पांचवें और आखिरी उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो ये है आपका। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको ये 27108 है, ये टोटल जो है वो 286 के आसपास आएगा, ये देख लेना आपने, 27108 था जो टोटल आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर टी 2.2, 1 जुलाई 1954 में किसका विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ, तो ये बिलासपुर का हुआ था। 1951 में हिमाचल प्रदेश को किसका दर्जा दिया गया, तो ये सी कैटेगरी स्टेट का दर्जा गया था, पार्ट सी ग श्रेणी के राज्य। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें हिमाचल प्रदेश की स्थिति के विषय में क्या संस्तुति की गई थी, तो उसमें कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो पंजाब में मिला दिया जाए। 1953 में जो जस्टिस फाजिल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उसने 1955 में बहुमत से सिफारिश की कि हिमाचल को जो है वो पंजाब में मिला देना चाहिए, 2:1। फाजिल अली तो उसके पक्ष में थे नहीं मिलाने के, लेकिन बाकी दो तो जो थे एच एन कुंजरू और के एम पणिकर, वो पंजाब में मिलाने के पक्ष में थे। किस वर्ष हिमाचल को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया, 1951 में। बिलासपुर हिमाचल में कब मिला ग श्रेणी का राज्य, 1 जुलाई 1954। इसके अलावा किसकी जो है 1956 में, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने किसकी अनुशंसा की थी, तो इसने जो है वो अनुशंसा की थी कि हिमाचल को जो है पंजाब के साथ जो है उसका विलय कर दिया जाए। मार्च 1951 से फरवरी 1952 तक हिमाचल का चीफ कमिश्नर, लास्ट चीफ कमिश्नर कौन था, तो एनसी मेहता पहले थे, ई पेंड्रेल मून दूसरे, और भगवान साहेब तीसरे और लास्ट थे, तो भगवान साहेब लास्ट चीफ कमिश्नर थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट का हिमाचल प्रदेश की स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ा, तो उसका पंजाब में विलय का उन्होंने रिपोर्ट दी थी, लेकिन विलय नहीं हुआ था, पूर्ण राज्य भी नहीं बना था 1956 में, तो ग श्रेणी का राज्य तो वो पहले से ही था। तो 1956 में इस रिपोर्ट के आधार पे हिमाचल को फिर ग श्रेणी का राज्य जो है 1956 में बनाया है, इस रिपोर्ट के प्रभाव से। 1953 में भाषाई राज्यों के आधार पे बने पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ये जस्टिस फाजिल अली थे। हिमाचल में कब चीफ कमिश्नर के स्थान पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया गया, तो मार्च 1952 में लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया गया, और मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो थे वो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के। तो इसी के साथ ये वीडियो जो है समाप्त होता है। 2.D 2.3 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।